लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, शहीद अरशद शरीफ के केस के हवाले से डेवलपमेंट हुई है। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फैसल वाडा साहब और मुराद सईद साहब को जो FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उन्होंने बुला लिया है। बैकग्राउंड बुनियादी तौर पर इसका यह है कि आपको याद होगा मशहूर जमाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फैसल वाडा साहब ने, उसके अंदर उन्होंने ये दावा किया था कि अरशद शरीफ की शहादत, उनका कत्ल पाकिस्तान के अंदर प्लान किया गया, उसके अंदर कुछ लोग शामिल है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा था वक्त आने पर वो इन्फॉर्मेशन जो है मीडिया के ऊपर या मुतलका अफराद को इन्वेस्टिगेटर्स को बताएंगे। इसी चीज को सामने रखते हुए, उनके इस दावे को सामने रखते हुए जो FIA की कमेटी ने उन्होंने बुला लिया है। इसी तरह जो है मुराद सईद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर के अंदर, उन्होंने बताया था कि उनका अरशद के साथ राबता पाकिस्तान के अंदर भी रहा, उसके बाद जब पाकिस्तान से वो UAE गए वहाँ भी उनके साथ वो राबते में थे। किन हालात में उनको UAE छोड़ना पड़ा उस हवाले से भी उन्होंने एक बयान दिया हुआ है। तो इन दोनों हजरात को जो है इस FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 21 नवंबर को बुला लिया है। इतलात जो कीनिया से आ रही है वहाँ पे भी वकार और उनकी बेगम साहिबा को वहाँ पे जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बुलाया है, उनसे कुछ बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट है चौधरी साहब, आज तक ये जो केस चल रहा है उस हवाले से आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि ये FIA की कमेटी है फैक्ट फाइंडिंग जो कि इसकी उम कर रही है। जी चौधरी साहब, कोई फैक्ट फाइंडिंग हो हमें तो कातिल चाहिए और उनके पुष्ट बना चाहिए, और जिन्होंने पैसा दिया और असला दिया और बंदे अरेंज करके दिए कार आए थे वो सारा हमें चाहिए। हमें अपना शहीद तो नहीं मिल सकता लेकिन ये कातिल तो मिलने चाहिए। मुझे वैसे इतबार कोई नहीं किसी पर, लेकिन चले एतमाम में उज्जत ही सही। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने प्लेटफॉर्म से और बीइंग ए जर्नलिस्ट ये हम डिमांड जरूर रखेंगे, चूंकि अरशद की फैमिली की तरफ से भी ये डिमांड है कि एक जो है हाई पावर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के जो है जरे तहत एक बनाया जाए कमीशन जो कि सारे के सारे वाकई की तहकीकात करें। इस हवाले से गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब को, उस अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उस पर क्या डेवलपमेंट होती है।